यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों की दखलंदाजी ने जंग को और खतरनाक बना दिया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश लगातार युद्ध में यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस जैसे ताकतवर देश के सामने कमजोर यूक्रेन 2 साल से ज्यादा समय से जंग में लड़ रहा है। इस बीच रूस ने अमेरिका और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों पर क्रीमिया पर हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया है। साथ ही रूस ने ऐसे हालात में जबरदस्त पलटवार के लिए भी तैयार रहने की चेतावनी दे डाली है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि क्रीमिया पुल, जो रूस को साल 2014 से क्रीमिया से जोड़े हुए हैं, पर कभी भी हमला हो सकता है। पश्चिमी देश यूक्रेन में विदेशी हथियारों के इस्तेमाल से रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ये बयान ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड कैमरन की हाल की कीव यात्रा के बाद आया है, जहां अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन को रूसी इलाके के भीतर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ब्रिटिश हथियारों का उपयोग करने का अधिकार है। बता दें कि रूस के लिए ये ब्रिज रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से कीव ने अब तक कई बार क्रीमिया को रूस से अलग करने की कोशिश की है। लगातार हमले को देखते हुए क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा अभेद्य कर दी गई है। पश्चिमी देश लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि क्रीमिया ब्रिज को क्रेमलिन जैसी सुरक्षा दी जा रही है। खास बात है कि राष्ट्रपति पुतिन क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानते हैं। पुतिन के लिए यह ब्रिज एक सिंबॉलिक भी है, वो इस लिहाज से कि जब उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया तो रूस को जोड़ने के लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था। व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की मंशा के साथ 12 मील लंबे ब्रिज का निर्माण करवाया। ये यूरोप का सबसे लंबा ब्रिज माना जाता है। इतना ही नहीं, ये पुल रूसी सैनिकों और उसके सैन्य साजो सामान को फ्रंट लाइन तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। ऐसी आशंका है कि इस पर पश्चिमी देशों का हमला रूस के विजय रथ पर ब्रेक लगा सकता है। पुल के अलावा यूक्रेन ने बड़े स्तर पर रूसी नौसैनिक संपत्तियों पर भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। कीव ने काला सागर बेड़े से जुड़े जहाजों और बुनियादी ढांचे पर बार बार हमले किए हैं। जखारोवा ने कहा कि तैयारियां खुले तौर पर दिखावटी साहस के साथ और सामूहिक पश्चिम के पूर्ण और प्रत्यक्ष समर्थन के साथ की जा रही है। जखारोवा ने पिछले महीने अमेरिका की ओर से सप्लाई की गई ATACMS यानी लंबी दूरी की मिसाइलों की डिलीवरी का भी जिक्र किया। इसमें उन्होंने कहा कि रूस ने पिछले हफ्ते 6 ATACMS मिसाइलों को मार गिराया था। गौरतलब है कि अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने कहा था कि यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी मिलिट्री एयर स्पेस पर पहली बार ATACMS मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है, जो दूसरे कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना को मार गिराएगा। जखारोवा ने उन रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया जिसमें यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की पहली डिलीवरी मिलने वाली थी, जिसे क्रीमियन ब्रिज को नष्ट करने के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रूस एक बार फिर वॉशिंगटन, लंदन और ब्रुसेल्स को चेतावनी देता है कि क्रीमिया के खिलाफ कोई भी आक्रामक कार्रवाई से न सिर्फ दुश्मन देश की हार निश्चित है, बल्कि प्रतिशोध का एक बड़ा झटका खाने के लिए भी पश्चिमी देश तैयार रहे।